नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं और उसमें अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या फिर कोई भी पैरामेडिकल के किसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, तो आपको सर्जरी के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो आज मैं एक सर्जरी के बारे में बता रही हूँ जो कि मेनली मेल बॉडी से रिलेटेड है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें क्या इसे कहते हैं, यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि TURP, टी से ट्रांस, यू से यूरेथ्रल, आर से रिसेक्शन और पी से प्रोस्टेट, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड मेल बॉडी में होता है और ये छोटा सा ग्लैंड है जो कि पेल्विस में होता है, ठीक है। यानी कि इट इज़ ए स्मॉल ग्लैंड इन द पेल्विस ओनली फाउंड इन मेल। कहाँ होता है, तो ये मेल बॉडी में यानी पुरुषों के शरीर में पाया जाता है और पेल्विस में पाया जाने वाला एक छोटा सा ग्लैंड है, एंड बिटवीन ब्लैडर एंड पेनिस, यानी पेनिस और ब्लैडर के बीच में ये रहता है। TURP क्या है, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीडर टू ट्रीट BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। क्या होता है कि इसमें जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है, यानी इनलार्जमेंट हो जाता है उसका। तो इसमें क्या किया जाता है कि उसको ट्रीट किया जाता है और उसको ट्रीट करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है वो है TURP। और इसमें क्या करते हैं कि प्रोस्टेट का जो है, अगर उसका जो भी साइज बढ़ गया है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, रिमूव किया जाता है कट कर करके, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में उन्हें रिमूव किया जाएगा। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीडर टू ट्रीट BPH एंड टू रिमूव इनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। यानी सर्जिकल प्रोसीडर है BPH को ट्रीट करने के लिए, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या किया जाता है कि प्रोस्टेट का जो भी साइज बढ़ा हुआ है तो उस टिश्यू को कट कर करके निकाला जाता है, जिससे कि हमारा जो बढ़ा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड है वो नॉर्मल साइज में आ पाए और यूरिन पास करने में कोई दिक्कत ना करे। इट इज़ टू ट्रीट यूरिनरी प्रॉब्लम, यानी कि ये जो हमारा TURP सर्जरी है मेनली यूरिनरी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेरा रहता है, ठीक है। अगर ये बढ़ गया तो यूरेथ्रा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है, क्योंकि उस पर दबाव पड़ रहा है दोनों तरफ चारों तरफ से। तो क्या होता है कि यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पाता है, रुक रुक के होता है या फिर यूरिन पास ही नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो इससे और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यही कह रहा है कि यूरिनरी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हमारा TURP सर्जरी किया जाता है। सबसे बेस्ट जो है अभी तक के लिए, बहुत ही पहले से ये चला आ रहा है TURP, और सबसे बेस्ट अभी फ़िलहाल माना जाता है। और भी बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आए हैं और भी बहुत एडवांस सर्जिकल प्रोसीडर आए हैं, लेकिन इसे अभी भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से किया जाता है। TURP इज़ अ सेफ प्रोसीडर एंड इट्स रिस्क ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज़ वेरी स्मॉल, यानी ये बहुत ही सुरक्षित प्रोसीडर है और इसका जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है, यानी इसके बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कतें ज़्यादा नहीं होंगी, यानी रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज़ वेरी लेस, ठीक है, यानी रिस्क नहीं है कुछ भी ज़्यादा। इंसिडेंस देखें तो इट इज़ मोस्ट कॉमन सर्जरी इन मेल, यानी मेल में बहुत ही कॉमन है ये। जैसे फीमेल में हिस्टरेक्टमी होता है, बच्चेदानी का निकालने का सर्जरी होता है ऑपरेशन, उसी तरह से मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे एज बढ़ता है उसका साइज बढ़ते जाता है। तो क्या होता है कि इसके लिए ऑपरेट होना होता है, ठीक है, जिसका ज़्यादा साइज बढ़ गया। मोस्ट कॉमन बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट, और ये बहुत ही कॉमन है जिसमें कि ये कैंसरस नहीं होता है, नॉन कैंसरस है। इसमें क्या होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा। इट्स इंसिडेंस इज अबाउट 0 to 1.1%, और इसका इंसिडेंस देखिए यानी कितने लोगों को हो रहा है कैसे, तो वो हमारा 1.1% है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है इंडिकेशन, यानी कि कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। एक्यूट, क्रॉनिक या फिर कह सकते हैं रिकरेंट यूरिनरी रिटेंशन, यानी क्या होता है कि अगर कोई यूरिन पास कर रहा होता है तो उसे यूरिन अच्छे से पास नहीं होता है, और वो थोड़ा सा मतलब पास किया यूरिन और उसके बाद जो यूरिन है वो जाके कहाँ बच जाता है, हमारे ब्लैडर में। तो ब्लैडर तो खाली होना चाहिए, यानी जो पेशाब की थैली है उसमें अगर ज़्यादा पेशाब जमा हो जाएगा तो उस पर प्रेशर पड़ेगा और इसके वजह से किडनी पर प्रेशर पड़ेगा,
ठीक है, तो इससे किडनी डैमेज भी हो सकता है। तो कह रहा है कि यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, तो वो अभी एक दो महीने से है या फिर बहुत सालों से चला रहा है आपका। तो कह रहा है कि एक्यूट और क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन यानी पेशाब का अच्छे से ना निकल पाना। अब हमारा नेक्स्ट है ब्लैडर स्टोन डाइवर्टिक्यूलम। तो ब्लैडर स्टोन या फिर डाइवर्टिक्यूलम, ठीक है, तो इसमें हो रहा है कि ब्लैडर जो है उसमें हो सकता है स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए, ठीक है, या फिर पाउच फॉर्म हो जाए। तो इससे क्या हो कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट है रिकरेंट हीमेट्यूरिया, यानी कि बार बार क्या हो रहा है, ट्रीट किया जा रहा है फिर भी आपका जो है यूरिन से ब्लड आ रहा है। रिकरेंट यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जा रहा है आपको बार बार। रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट यानी कि जो हमारा, देखिए अगर पेशाब अच्छे से पास नहीं होगा तो वो यूरिन जो है जाके ब्लैडर में स्टोर होने लगेगा, ठीक है, तो वो जो है नुकसान करेगा, उसकी वजह से किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो किडनी को रीनल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि किडनी के फंक्शन पे भी दिक्कतें आएंगी, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। सिम्टोमेटिक प्रोस्टेटिज्म यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोस्टेटिज्म क्या होता है कि एक तरह का सिंड्रोम है जो कि मेनली कब होता है, जब आपके पेशाब का जो थैली है, ब्लैडर जो है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका क्या है कि आउटलेट होता है, यानी कि अगर आप बॉटल लिए हैं तो बॉटल का कैप के पास क्या है, वो जो पार्ट जहाँ कैप लगाते हैं वो उसका आउटलेट है। उसी तरह से पेशाब की जो थैली है उसका भी आउटलेट है, जहाँ से पेशाब जो है यूरेथ्रा में जाता है। तो वो क्या है कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वो क्यों कैसे, वहाँ पे स्टोन हो सकता है या फिर आपका वहाँ पे पाउच फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो इससे क्या होता है कि यूरिनेशन उनको बार बार होगा, यानी बार बार पेशाब अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो उनको बार बार अर्ज होगी ऐसा कि बार बार जाएं, लेकिन अच्छे से उनका क्लियर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है इसमें, ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है कि ब्लड भी आ सकता है यूरिन से, बहुत ही पेनफुल उनको यूरिनेशन होगा, यानी बहुत दर्द होगा यूरिन पास करने में, और फिर उनको हो सकता है बर्निंग सेंसेशन हो, क्योंकि यूरिन पास नहीं हो पाएगा तो उनको जलन भी हो सकती है उसमें। तो यही है कि सिम्टोमेटिक प्रोस्टेटिज में, ठीक है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके आउटलेट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो आपको कई तरह की दिक्कतें होंगी, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंडिकेशन तो समझ गए, अब देखते हैं कि किस पोजीशन में किस तरह की एनेस्थीसिया में ऑपरेशन होता है। TURP के लिए लिथोटमिक पोजीशन मेन बनाया जाता है, लिथोटमिक पोजीशन बहुत ही बेस्ट माना जाता है इस सर्जरी को करने के लिए। उसके बाद एनेस्थीसिया, तो मेनली जनरल एनेस्थीसिया यानी मरीज़ को पूरी तरह से अनकॉन्शियस कर देते हैं, ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसिया में मेनली करते हैं, स्पाइनल या फिर आपका एपिड्यूरल ब्लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि प्रोसीडर क्या है, यानी किस किस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ऑपरेशन होगा। तो सबसे पहला है कि रिसेक्टिव स्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है TURP यानी ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट सर्जरी में। तो रिसेक्टिव स्कोप एक तरह का क्या है, तो औजार है कहिए, ठीक है, जैसे कि हम लोग हथौड़ी से, छेनी हथौड़ी से कोई चीज़ तोड़ते हैं, उसी तरह से ये रिसेक्टिव स्कोप है जो कि जो भी बढ़ा हुआ टिश्यू है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में उसे ये निकालने में मदद करता है। रिसेक्टिव स्कोप इज यूज्ड थिन मेटल ट्यूब कंटेनिंग लाइट कैमरा लूप ऑफ वायर, यानी कि ये क्या है रिसेक्टिव स्कोप, वो एक पतला सा मेटल का ट्यूब है जो क्या क्या कंटेन करेगा, तो इसके पास लाइट होता है, कैमरा होता है और एक लूप ऑफ वायर, पतला सा वायर होता है। दिस इज पासेज अलॉन्ग योर यूरेथ्रा अंटिल इट रिचेज योर प्रोस्टेट, यानी कि इसको हमारे जो पेशाब वाला जो नली है यानी यूरेथ्रा जो है वहाँ से पास करते हैं, यानी पेनिस से, पेनिस के ओपनिंग से हम लोग पास करेंगे और उसके अंदर क्या होता है यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा से होते हुए हम लोग उसको तब तक पास करेंगे जब तक कि वो प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुँच ना जाए, ठीक है, प्रोस्टेट तक ना पहुँच जाए। नो कट्स इंसिजन नीड टू बी मेड इन योर स्किन, आपका जो है नेचुरल ओपनिंग है हमारा पेनिस, ठीक है, तो पेनिस का ओपनिंग होता है वो नेचुरली है, उसमें कोई इंसिजन कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कट क्यों लगाते हैं जब कोई ओपनिंग नहीं होता, एब्डोमेन में हमारे हाथ में कहीं कोई ओपनिंग नहीं है तो वहाँ पर हम लोग इंसिजन लगाते हैं यानी कट लगाते हैं ताकि हम लोग अंदर का जो पार्ट है उसे देख पाएँ, ऑपरेट कर पाएँ, इंस्ट्रूमेंट से उसको कट रिमूव कर पाएँ, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है द लूप ऑफ वायर इज देन हीटेड विद एन इलेक्ट्रिक करेंट एंड यूज टू कट अवे द सेक्शन ऑफ योर प्रोस्टेट। यानी ये जो लूप ऑफ वायर था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इस सर्जरी में, क्योंकि उसके बिना तो ऑपरेशन हो ही नहीं पाएगा। तो लूप ऑफ वायर जो है उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, पहले क्या करते हैं गर्म करते हैं, पूरा गर्म हो जाएगा। उसके बाद वो भी गर्म किससे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करेंट से, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से वो जो लूप ऑफ वायर है, पतली सी वायर होती है, उसे गर्म कर देंगे। उसके बाद उसका यूज किस लिए करेंगे, तो जो भी प्रोस्टेट का पोर्शन बढ़ गया है उसे कट करने के लिए, उसे फ्रेगमेंट्स में, चिप्स में कट करेंगे और रिमूव करेंगे। अ थीन ट्यूब कॉल्ड कैथेटर इज देन इंसर्टेड इंटू योर यूरेथ्रा टू पम्प फ्लूड इंटू द ब्लैडर एंड फ्लश अवे पीसेज ऑफ प्रोस्टेट दैट हैव बीन रिमूव्ड। यानी कि प्रोस्टेट का जो भी पार्ट ऐसे कट कर करके निकाला जा रहा है तो वो निकाल दिए, यही लास्ट स्टेप है कि उसको निकाल दिए। उसके बाद क्या होता है कि कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, पतला सा ट्यूब जो होता है कैथेटर, उसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कहाँ करेंगे, तो यूरेथ्रा से करेंगे, ताकि वो ब्लैडर यानी पेशाब की जो थैली है अगर उसमें कुछ चला गया है तो वो सब क्या हो, वो बाहर निकल जाए, ठीक है, फ्लश आउट हो जाए। और ये जो प्रोस्टेट का फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे टुकड़े में उसे निकाला जा रहा था, हो सकता है कि वो अंदर जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर दे बाद में, तो उसमें इरिगेट करके और फिर पूरा उसे एस्पिरेट किया जाता है, यानी उसमें पानी जो एनएस से जो फ्लूड है उसे डालेंगे और फिर उसे फ्लश आउट करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारा छोटा सा प्रोसीडर है और बहुत ही आसान है। मेनली रिसेक्टोस्कोप, आप याद रखिए, रिसेक्टोस्कोप के सहायता से ही ये ऑपरेशन होती है। रिसेक्टोस्कोप में लूप ऑफ वायर होता है, कैमरा होता है, लाइट होता है। सबसे पहले रिसेक्टोस्कोप को पेनिस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा से होते हुए वो प्रोस्टेट तक पहुंचता है। कोई भी कट, कोई भी इंसिजन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लूप ऑफ वायर जो वायर है जिससे कि कट करते हैं, उसे पहले गर्म करेंगे इलेक्ट्रिक करेंट की हेल्प से, फिर कट कर करके छोटे छोटे चिप्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में इसे बाहर निकालेंगे और एक पतला सा ट्यूब लास्ट में डाल देंगे, ताकि ये जो भी अंदर छोटे छोटे टुकड़े अगर बच भी गए हैं, बैठ भी गए हैं, तो वो निकल जाएं, फ्लश आउट हो जाएं। अब हमारा नेक्स्ट है कि प्रोसीडर में टाइम कितना लगता है, यानी ऑपरेशन करने में कितना समय लगेगा। तो लगभग 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा। कोई सर्जन बहुत ज़्यादा ही स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, वो तो 40-45 मिनट में एकदम कर देंगे बढ़िया से। रिकवरी टाइम कितना होता है, यानी कितने दिन में मरीज नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो 3 से 4 सप्ताह, ऑपरेशन के बाद भी 3 से 4 सप्ताह में वो एकदम नॉर्मली अपना काम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है, दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं, तो रेट्रोग्रेड इजेक्यूलेशन, यानी कि क्या होता है कि कोई भी बीमारी ना हो, अगर ऑपरेशन ना हुआ हो, तो नॉर्मली जो मेल होते हैं उनमें जो इजेक्यूलेशन होता है सीमेन का, वो ब्लैडर में नहीं होता है, वो आउट होगा, ठीक है, पेनिस से बाहर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर इजेक्यूलेशन होना है, यानी सीमेन जो स्पर्म है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है कि ब्लैडर में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो एकदम रिलैक्स होते हैं, तो वो बाहर आउट ना करके सीमेन को वो हमारे ब्लैडर में कर देंगे, ठीक है। तो यही है रेट्रोग्रेड इजेक्यूलेशन, जिससे कि इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि अगर सीमेन सही जगह पे नहीं पहुँचेगा तो फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी। उसके बाद है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि जो यूरिनेशन है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि आप इस योग्य नहीं होंगे, आपका जो है मसल्स इतना ज़्यादा एबल नहीं होगा कि वो रोक पाए। आप छींकेंगे तो यूरिन पास हो जाएगा, या फिर आप कोई हैवी वर्क करेंगे या फिर कूदेंगे तो आपका यूरिन पास हो जाएगा, तो यह यूरिन इनकॉन्टिनेंस, इस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि आपका पहले जो था अच्छे से इरेक्शन हो पाता था पेनिस का, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं ऑपरेशन के बाद। यूरेथ्रल स्ट्रिंक्चर्स, यानी क्या होता है कि देखिए सर्जरी हो चुकी है आपकी, लेकिन क्या किया जाता है कि इसमें नैरो हो जाता है यूरेथ्रा। पहले तो बहुत ज़्यादा ही उस पर बर्डन था, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था, तो एकदम ही दब गया था, लेकिन अभी ऑपरेशन के बाद भी यूरेथ्रा स्ट्रिक्ट कर जाता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। इसके बाद हमारा है कि UTI, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपका क्या है कि इसी मेनली पेनिस के थ्रू ही ऑपरेट किया जा रहा है, तो आपका क्या होता है कि इन्फेक्शन होने की चांसेज होती हैं। इसके बाद अल्टरनेटिव ऑप्शन, यानी कि TURP की जा रही है, लेकिन क्या होता है कि अगर कुछ दिक्कतें आ गई या फिर
मतलब एक अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए, जैसे कि आप लैब कॉलसिस्टेक्टोमी या फिर लैब से अगर कोई दूरबीन से सर्जरी कर रहे हैं तो आपके पास ये तैयारी होनी चाहिए कि आप ओपन कर सकें एज़ पर नीड, एज़ पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है, ट्यू आर पी आपने प्लान किया है लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई दिक्कतें हो रही हैं तो आप जो है दूसरी सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्या है तो यूरो लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट, जिसमें कि एक इम्प्लांट होता है जिससे कि जो भी बढ़े हुए टिश्यू हैं प्रोस्टेट के उसको उस मेटल इम्प्लांट से वहीं पे इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी कि वहीं पे फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो यूरेथ्रा पर दबाव ना डाले। इसके बाद होल्मियम लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी, यानी होलिप से भी सर्जरी की जाती है, ठीक है, ये लेज़र सर्जरी है। और फिर आपका जो है ओपन प्रोस्टेक्टमी भी किया जाता है जिसमें ओपन करके प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए, कैंसर हो जाए। अभी तो ये नॉन कैंसरस है तो इतना नीड नहीं होता है ओपन प्रोस्टेटेक्टमी करने का, ठीक है। तो ये कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं हमारे जो कि एडवांस माने जाते हैं। अभी वाटर वेपर से भी किया जाता है, और वाटर वेपर से और प्लस में यूरो लिफ्ट भी बहुत अच्छा माना जाता है, होल्मियम सर्जरी भी, लेज़र सर्जरी जो है, तो ये सारे बेस्ट तरीके हैं। लेकिन इन सब में भी जो गोल्ड है, ठीक है, वो कौन है, TURP है। तो इसी तरह से इस वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए और ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। बाय, टेक केयर।